हम आए हैं अमराले से, मेरा नाम है अंजू। अच्छा, पर आए हम आए हैं जी गाजीपुर बॉर्डर पर दिल टिकैत जी से उसमें आंदोलन में। अच्छा, समर्थन देने आए हो? हाँ जी। कब से चल रहा है आंदोलन मालूम है आपको? हाँ जी, दो महीने हो गए, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। सरकार से क्या मांगे? सरकार से यो मांगे, काले कानून वापस करो। कब तक रहेंगे आप? जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक रहेंगे। अन्य तरह तरह के गांव से आई है सब महिला, अलग अलग गांव से आई है। हाँ जी, हाँ। क्या कहना चाहती हैं आप? हम कहना चाहते हैं जो किसान के ये काले कानून इन्होंने पेश किए हैं, इसको वापस करो, MSP पे बिल बनाओ, और अडानी अंबानी के जो ये वो खड़े हैं इन्होंने गोदाम बनाए हैं, उन गोदामों को हटाओ वहाँ से। अच्छा। हमारे किसान वहाँ कैसे चले जाएंगे? छोटी जोत हो गई किसान की, छोटी जोत का किसान बताइए कैसे अडानी अंबानी के वहाँ तक जाएगा? अडानी अंबानी हमारे किसानों की जमीन को बंधक बनाना चाहता है, तो क्या हम वहाँ नहीं देंगे? हम काले कानून लेकर वापस जाएंगे। राकेश टिकैत जी ने कहा है बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसान आंदोलन जो है ये हमने सरकार ने जो 3 कानून लेके आई थी उसके खिलाफ शुरू किया था, अब सरकार इस पर हट बना के बैठ गई, इसलिए पूरा देश इस समय इन 3 कानूनों MSP पर खड़ा है। और सरकार को हट छोड़नी चाहिए, सरकार को खुला दिल करना चाहिए, और इस कानून, 3 कानून और MSP की गारंटी पर किसानों के साथ वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि देश के अन्नदाता का सवाल है। आज जो अन्न पैदा करता है, जो दुनिया को खिलाता है, आज उसी के अन्न का रास्ता सरकार बंद कर रही है। दिल्ली से हमारा लंगर आता था उसे बंद करने का काम कर दिया, ये कहाँ की नैतिकता है? कहाँ का धर्म है? कहाँ का राष्ट्रवाद है कि जो अन्न पैदा करे उसका अन्न बंद कर दो? तो हमारी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को सद्बुद्धि आए, बहुत नुकसान हो गया, 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, और देश जो है पूरा आज आंदोलन कर रहा है। आज खाली गाजीपुर में आंदोलन नहीं हो रहा है, ग्वालियर में महापंचायत हो रही है, बिजनौर में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, पंजाब में हो रही है, हर जगह किसान महापंचायत करके 3 कानूनों और MSP पर जो है आंदोलन कर रहा है। तो सवाल यह है कि इस देश की सरकार को ज़रूर सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। विपक्षी दलों का भी समर्थन है? बिल्कुल, यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के लोग निरंतर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँच रहे हैं, सब लोग, पूरा देश साथ है, सिर्फ और सिर्फ एक सत्ता पक्ष को छोड़कर। मोदी जी ने तो कह दिया है फोन कॉल की जरूरत है, नहीं तो फोन वो कर दें कि हमने 3 कानून बिल कर दिए हैं और जो MSP का कानून बना दिया है, वो फोन करके बता दें, हम घर चले जाएंगे, हमें फोन करने की जरूरत क्यों है?